दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खेला जा चुका है। यहाँ दोस्तों आपको बता देगी, भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच में पहले बैटिंग करते हुए अपनी पहली पारी में 335 रन बनाए थे, तो वहीं उसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम मात्र 62 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो बैठी थी। और इसके बाद जब भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करी तो भारतीय टीम ने उस पारी में भी 276 रन बना लिए थे और न्यूजीलैंड की टीम को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए 540 रनों का लक्ष्य दिया था। और जब इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम तीसरे दिन बैटिंग करने उतरी तो न्यूजीलैंड की शुरुआत उस दिन बेहद ही खराब रही और न्यूजीलैंड की टीम ने तीसरे दिन ही 140 रन के स्कोर पर अपने 5 विकेट गवा दिए थे। और इसके बाद जब न्यूजीलैंड की टीम आज के दिन बैटिंग करने उतरी तो उनकी शुरुआत आज के दिन बेहद ही खराब रही, जहां दोस्तों आज के दिन जयंत यादव ने न्यूजीलैंड को एक के बाद एक 4 बड़े झटके देते हुए न्यूजीलैंड की टीम को शुरुआत में ही बैक फुट पर ढकेल दिया था, जहां जयंत यादव ने न्यूजीलैंड की टीम को आज पहला बड़ा झटका 162 रन के स्कोर पर देते हुए रचिन रविंद्रा को आउट कर दिया था और रविंद्रा 18 रन बनाकर आउट हुए थे। और वहीं इसके बाद 165 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम को एक के बाद एक 2 बड़े झटके जयंत यादव ने देते हुए काइल जेमिसन और टीम सऊदी को आउट कर दिया था और ये दोनों बल्लेबाज अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। और वहीं इसके बाद 167 रन के स्कोर पर जयंत यादव ने न्यूजीलैंड को 9वां झटका देते हुए विलियम समरवेल को आउट कर दिया था और समरवेल 1 रन बनाकर आउट हुए थे। और वहीं इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने अगले ही ओवर में न्यूजीलैंड को आखिरी बड़ा झटका देते हुए हेनरी निकोल्स को आउट कर दिया था और निकोल्स 44 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम 167 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी और भारतीय टीम ये टेस्ट मैच 372 रनों के बड़े अंतर से जीत गई। और भारतीय टीम ने ये टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है और भारतीय टीम के ये टेस्ट मैच में सबसे बड़े अंतरों से जीत हुई है, जहां भारतीय टीम की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और जयंत यादव ने इस मैच में 4 विकेट हासिल किए तो वहीं अक्षर पटेल को 1 विकेट हाथ लगा। और इसी के साथ भारतीय टीम ये दूसरा टेस्ट मैच जीतकर इस सीरीज को अपने कब्जे में ले चुकी है और भारतीय टीम ये टेस्ट मैच काफी बड़े अंतर से जीती है, जो कि भारतीय टीम के इतिहास में सबसे बड़ी जीत बन चुकी है। और वहीं भारतीय टीम ने इस टेस्ट मैच में जीतकर इस सीरीज को अपने हाथ ले लिया है और भारतीय टीम ने T20 सीरीज और टेस्ट सीरीज दोनों ही सीरीज अपने नाम कर ली है। ऐसे में दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।